बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मामा फूड सीक्रेट्स। तो आज बन रही है डिज़र्ट की रेसिपी, यानी कि मीठा बनाने वाली हूँ मैं। और ये बड़ा इजी है, क्विक है। मैं बना रही हूँ खुबानी का मीठा। तो खुबानी का मीठा बनाने के लिए मैंने 1 पाव यानी कि 250 ग्राम खुबानियाँ ली हैं, सूखी खुबानी। और गुठली वाली खुबानी लेनी है, बगैर गुठली की खुबानी नहीं लेनी। 1 पैकेट क्रीम का, आधी प्याली कटे हुए बादाम, आधा टेबल स्पून चीनी, 1 ग्लास पानी, चौथाई कप दूध। सबसे पहले खुबानियों को पकाना है, इसके लिए मैं खुबानियों को पॉट में डालूंगी, साथ ही इसमें डालूंगी 1 ग्लास पानी। और मैं इसको ढक कर दरमियानी आँच पर उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि खुबानियाँ अच्छी तरह नरम ना पड़ जाएं। और याद रहे कि इस दौरान खुबानियों का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं होना चाहिए। जी, तो ये खुबानियाँ जो हैं अच्छी तरह से नरम हो चुकी हैं और अब मैं इन्हें ठंडा करने के लिए रख दूँगी। अब ये देखें, खुबानियाँ ठंडी हो चुकी हैं और ये भी देख लें कि पानी इसके अंदर अभी भी मौजूद है। अब मैं हाथों से अच्छी तरह से मसल कर खुबानियों की गुठलियाँ अलग कर लूँगी। तो ये देखें, खुबानी की जो गुठलियाँ हैं वो अलग हो चुकी हैं और ये जो मिक्सचर है स्मूथ सा तैयार हो गया। अच्छी तरह खुबानियाँ भी मैश हो चुकी हैं, ये देखें अच्छी तरह से। इसमें अब कोई भी गुठली नहीं है और खुबानियाँ भी अच्छी तरह मैश हो चुकी हैं। एक सर्विंग डिश लूँगी मैं, कम गहरी डिश लेनी है, कोई बाउल वगैरह नहीं लेना। तो कम गहरी डिश के अंदर मैं ये खुबानी का मिक्सचर जो है अच्छी तरह से डाल रही हूँ। इसमें डालने के बाद इस मिक्सचर को मैं कांटे की मदद से, या आप चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई, अच्छी तरह पूरी डिश में इन खुबानियों को फैला दूँगी। इनको अच्छी तरह से डिश में फैलाने के बाद मैं इसको फ्रीज़र में खूब ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब तक खुबानियाँ ठंडी हो रही हैं तब तक हम क्रीम तैयार कर लेते हैं। बाउल में डाली है चीनी, दूध और 1 पैकेट क्रीम। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर लें क्योंकि चीनी भी इसमें है, तो चीनी को अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए इसके अंदर। और ये देखें, ये मिक्स हो चुका है। अब मैंने फ्रीज़र से जो है ये डिश निकाल ली है बाहर और अब इस डिश के ऊपर ये मैं मिक्सचर जो है फैला दूंगी। अब मैं इस पर डालूंगी कटे हुए बादाम, सारे बादाम मैं डाल दूंगी इसके ऊपर। और ये मेरी जो रेसिपी है कंप्लीट हो चुकी है। तो खुबानी का मीठा हो चुका है तैयार। इसको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी खूब ठंडा होने के लिए। और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा चिल्ड सर्व की जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो तो ही मज़ा आता है इसको खाने का। तो आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।